अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। तो दोस्तों, अनाउंस होने के एक मिनट के अंदर 1,00,000 से ज़्यादा यूनिट सेल करने के बाद Redmi अपना K40 का गेमिंग एडिशन ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके आ रहा है। कुछ मुल्कों के अंदर Redmi K40 गेमिंग के नाम से लॉन्च किया जाएगा और कुछ मुल्कों के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो Poco F3 GT के नाम से जो है वो लॉन्च किया जाएगा। कमाल का गेमिंग स्मार्टफोन निकल कर आता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं स्मार्टफोन से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले, अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात कर ली जाए Redmi K40 गेमिंग एडिशन की, तो यार जैसा कि मैंने बोला, कुछ मुल्कों के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो Redmi की ब्रांडिंग के साथ बेचा जाएगा और कुछ मुल्कों के अंदर जो है ये स्मार्टफोन हमें Poco की ब्रांडिंग के साथ मिल जाएगा। जैसे कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो आपको Poco की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। एक कमाल का स्मार्टफोन है, Poco F3 GT के नाम से जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डाली जाए तो हर कैटेगरी के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो रॉक करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात कर ले तो यार Xiaomi ने जो ढेर सारा स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है ना 6.67 इंचेस के डिस्प्लेस का, वही यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगा। Poco F3 GT के अंदर भी हमें जो है वो 6.67 इंचेस का OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। 360 हर्ट्ज का हमें जो है वो टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। 500 निट से ज़्यादा हमें जो है वो ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, यानी कि कमाल का डिस्प्ले जो है वो आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन साइज़ वही हमें 6.67 इंचेस का देखने को मिलेगा, जो कि एक ट्रेडमार्क भी बन चुका है Redmi और Xiaomi की डिवाइसेस का, जिसमें हमें यूजुअली जो है वो इसी साइज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको जो है वो Xiaomi की उस वीडियो में भी बताया था कि यार Xiaomi के स्मार्टफोन इतने सस्ते क्यों होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत सारा स्टॉक जो है वो एक ही साथ बाय कर लिया जाता है और हर स्मार्टफोन के अंदर हमें जो है वो उसी तरह का स्टॉक देखने को मिलता है। तो 6.67 इंचेस का जो डिस्प्ले है ऑलमोस्ट हर जो है वो Xiaomi की डिवाइस में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहां पर भी आपको जो है वो 6.67 इंच का डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है। और अगर डिजाइन के बारे में बात कर ली जाए तो बेसिक डिजाइन वही है, Redmi K40 और Poco F3 जैसा हमें जो है वो डिजाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन गेमिंग के हवाले से कुछ जो है वो चीजें ट्वीक की गई हैं, जैसे कि कैमरा जो कटआउट है उसके साथ साथ हमें जो है वो कुछ एक आउटलाइन देखने को मिल रही है और बैक के ऊपर भी हमें जो है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल रहा है। डिफरेंट कलर के अंदर जो है ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल लुक के हवाले से मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये स्मार्टफोन, गेमिंग के लिए एक परफेक्ट डिजाइन निकल कर आता है। बैक के ऊपर हमें जो है वो कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके स्मार्टफोन को जो है वो कूल रखेगा। गेमिंग के स्मार्टफोन है तो ये एक एसेंशियल चीज निकल कर आती है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया डिजाइन, आपको कितना पसंद आया मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक की वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद किसी भी गेमिंग स्मार्टफोन में जो बैटरी होती है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हमें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए होती है किसी भी गेमिंग स्मार्टफोन में। जैसे कि अब मैंने यहां पर बताया आपको, इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्लीक देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बैटरी तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक आइडियल साइज की बैटरी जरूर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें जो है वो 5000 से ऊपर mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5065 mAh की जो है वो बैटरी देखने को मिलेगी और 67 वॉट का जो है वो फास्ट चार्जर मिल जाएगा इसके साथ, जो कि एक कमाल की चीज निकल कर आती है। 45 मिनट्स के आसपास जो है वो इसकी बैटरी को फुल चार्ज करके दे देगा, जो कि एक मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज निकल कर आती है ओवरऑल स्मार्टफोन के लिए। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, बैटरी लो हो भी जाती है, तो आप जो है वो विद इन 30 मिनट जो है वो इजीली आपको 50% से ऊपर जो है वो चार्ज कर लेंगे, जो कि एक काफी जबरदस्त चीज निकल कर आती है। और 5000 mAh की बैटरी है तो फिर भी आपको जो है वो 6 घंटे से ऊपर का जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि एक इटसेल्फ अच्छी चीज निकल कर आती है। इसके बाद अगर इसके कैमरास के हवाले से बात की जाए तो वही 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप हमें जो है वो देखने को मिलेगा इन डिवाइसेस के अंदर, और फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का जो है वो सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया होगा Redmi ने, लेकिन हमें एवरेज जो है वो कैमरास देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कोई हमें जो है वो एक फ्लैगशिप लेवल के कैमरास भी देखने को नहीं मिलेंगे और मिड रेंज सेगमेंट के भी कैमरास नहीं होंगे, समवेयर बिटवीन हमें जो है वो इसके कैमरास देखने को मिल जाएंगे। 1.7 के अपर्चर के साथ देखने को मिल रहा है, यानी लो लाइट के अंदर भी ठीक ठाक जो है वो हमें पिक्चर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो कैमरास इतने बुरे नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास कैमरास भी यहाँ पर हमें जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और लास्ट के अंदर गेमिंग स्मार्टफोन है तो बात करेंगे इसके अंदर हमें चिपसेट कौन सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें जो है वो
Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिल रहा है, तो कमाल का चिपसेट है यार, एक जो है वो फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, 6 nm के ऊपर जो है वो फैब्रिकेटेड है, तो हमें जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। तो चिपसेट के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से कोई इशू नहीं आने वाला, आपका स्मार्टफोन जो है वो गेमिंग के हवाले से बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, यानी कि 888 को जो है वो टक्कर देता हुआ ये चिपसेट जो है हमें नज़र आ रहा है। उस जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास की परफॉर्मेंस आपको जो है वो इस स्मार्टफोन में देखने को ज़रूर मिल जाएगी, आपको जो है वो बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल रेडमी के 40 या पोको F3 GT के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एडिशन होने वाला है गेमिंग के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इससे पहले जो है वो ऑफिशियली कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। अगर पोको ये गेमिंग स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च करता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट कवर कर लेगा गेमर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा खेली जा रही है स्मार्टफोन्स के अंदर। तो ये स्मार्टफोन जो है वो एक अच्छा एडिशन हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और इसकी प्राइस के हवाले से बात कर ली जाए तो पोको का बैक रिकॉर्ड देखा जाए तो यार इनसेन प्राइसेस के ऊपर हमें जो है वो डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी पोको F3 हमें जो है वो 60,000 के अराउंड जो है वो देखने को मिला है, तो ये डिवाइस मेरे ख्याल से जो है वो अराउंड 80,000 अगर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाए तो बहुत ही अच्छी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती हुई नज़र आएगी। आप लोगों का क्या ख्याल है यार इस डिवाइस के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और लॉन्च डेट के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि यार कब तक ये जो है वो स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएगा, लेकिन होप्स हो मे के एंड तक हमें जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नज़र आए, अदरवाइज जून के अंदर तो लाजमी जो है वो जून के स्टार्ट तक जो है वो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 90% तक कन्फर्म है कि ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है। बहरहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज़ ऐप राणा साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।